यार अभी मैं खुद सीख रहा हूँ एक्टिंग सिंगिंग ये अभी मैं प्रोड्यूसर बनने में बहुत देर है आई थिंक कभी कभी हम थोड़ा एग्जैजरेट कर देते हैं रियलिटी शोज में कभी कभी ये होता है कि आप खुद अपने आसपास एक लाला लैंड बना लेते हैं एक वर्ल्ड बना लेते हैं यू थिंक दैट यू आर समबडी यू आर सुपरस्टार ऐसा आपको सोचना नहीं चाहिए आई थिंक इट चेंजेस एवरी ईयर इट चेंजेस एवरी डे आपकी किस्मत हर रोज़ बदलती है आप अपने परफॉर्मेंस के जरिए लोगों को कम्युनिकेट करते हैं आई थिंक इट्स वेरी रैंडम इन अ वे तो आपको आई थिंक यू शुड हैव अ स्टेबल माइंड व्हेन यू इन अ रियलिटी शो आपको ये याद रखना चाहिए कि हो सकता है रियलिटी शो खत्म करने के बाद आपको पूछे ही ना सो इट यू हैव टू हैव दैट सैनिटी आई थिंक नाउ देयर मिलियन इन फैक्ट देयर लॉट ऑफ रियलिटी शोज एज वेल आई थिंक अगर आप एक रियलिटी शो में रिजेक्ट होते हैं आपके पास 10 और होंगे लेकिन दिस पर्टिकुलर रियलिटी शो इट्स वेरी यूनिक इट्स वन ऑफ इट्स काइंड क्योंकि एक्टिंग का रियलिटी शो नहीं होता एक्टर्स जो है वो काफ़ी सब्जेक्टिव होते हैं एक्टिंग सब्जेक्टिव होती है तो गेज करना मुश्किल हो जाता है कि आप कितने अच्छे हैं या कितने बुरे हैं सो आई थिंक दिस इज अ वेरी यूनिक रियलिटी शो आई थिंक दिस इज रियलिटी एज वेल आपकी लाइफ में भी ऐसा होता है एवरीबडी कैन नॉट बी अ सुपरस्टार आई थिंक अब आपके हाथ में कि आप एक्टर बन जाओ सुपरस्टार आप बनोगे कि नहीं बनोगे ऊपर वाले के हाथ में या फिर जनता के हाथ में आई थिंक इट्स बिट ऑफ बोथ आई थिंक मोर देन गॉडफादर आई थिंक मुझे लगता है कि टैलेंट और अपॉर्चुनिटी ये दोनों एक साथ जाने चाहिए काफ़ी एक्टर्स हैं काफ़ी सुपरस्टार्स हैं जो विदाउट गॉडफादर यहाँ पर आए थे इंडस्ट्री में और अभी तक सुपरस्टार्स हैं वो आई थिंक यू जस्ट नीड दैट गाइडेंस ईदर फ्रॉम योर पेरेंट्स योर गॉडफादर कैन ऑल्सो बी योर टीचर योर फ्रेंड एनीबडी कैन बी योर गॉडफादर Listen, I was never in I've studied English literature. I have no idea about the budget. I have no idea about the economy. But apart from that, I think. Having said that I have no idea about the economy, but इतना मैं जानता हूँ कि आम जनता को के लिए बजट होना चाहिए उसके अलावा बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको बजट का फ़र्क नहीं पड़ता है आई थिंक जो ऊपरी तबके के लोग हैं हाई क्लास सोसाइटी के लोग हैं उनको बजट का इतना फ़र्क नहीं पड़ता है पर आम आदमी को ज़्यादा पड़ता है आई थिंक इट शुड बी प्रो कॉमन मैन ऑलवेज शुड बी प्रो कॉमन इंडस्ट्री अगर आप स्टार हैं आपको अप्लॉज भी बहुत ज्यादा किया जाएगा एट द सेम टाइम क्रिटिसाइज भी बहुत ज्यादा किया जाएगा आई थिंक फॉर दैट और ऐसा होता है I think you'll be hearing about it very soon. Okay, and you've been learning a lot of Bollywood things, right? Yeah. काफ़ी कुछ सीख लिए वो आपको भोजपुरी में ऐसा कुछ खड़ी बोली है भोजपुरी नहीं है वेस्टर्न यूपी की बोली है तो इट्स नॉट एग्जैक्टली भोजपुरी वो बिहार की तरफ नहीं है ऋषि के हरिद्वार में जो बोली बोली जाती है वो वाली भाषा है तो सिंस आई एम गुड विद हिंदी आई एम गुड विद संस्कृत सो इतनी डिफिकल्टी नहीं